प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए प्लस टू के पेपर की तैयारी कैसे की जाए उससे संबंधित वीडियो में लेकर के आपके सामने आया हूँ। देखिए, आप यदि प्लस टू के इस साल पेपर देने वाले हैं और आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट होगा, मैं यहाँ पर केमिस्ट्री का पेपर लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो आप उसकी तैयारी इस तरीके से करें। 40 मिनट का टाइम फिक्स करें। पहले कोई एक चैप्टर आप तैयार कर लें, सिंगल एक चैप्टर, और वो चैप्टर इस तरीके से आपके तैयार होने चाहिए कि उसमें से कॉमा फुल स्टॉप कोई भी कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप उसके जवाब दे सकते हो। इसके लिए आप करेंगे क्या कि जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है या आपके पास कोई गेस पेपर है, उस गेस पेपर में आप ये सेलेक्ट करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसमें से 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन का सिलेक्शन करें और केवल आप उसमें से 6 या 7 क्वेश्चंस का ही सिलेक्शन करें। यदि 2 क्वेश्चंस ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो मैक्सिमम आप 10 क्वेश्चंस सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद क्या है, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th को। क्वेश्चन नंबर 5th में यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा जा रहा है कि राइट नोट्स ऑन द विक्टर मेयर एंड लुकास टेस्ट। आप किसी भी बुक में यदि पढ़ेंगे तो आपको यह क्वेश्चन जरूर मिलेगा और उसके आंसर भी मिलेंगे। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी सेम आंसर को दो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, यानी कि दो अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे लेकिन उसके आंसर सेम होते हैं। जैसे आपने यहां पर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया कि विक्टर मेयर और लुकास टेस्ट के ऊपर नोट्स लिखने हैं। अब दूसरा मैं आपको क्वेश्चन यहां पर दिखा रहा हूं, यहां भी क्वेश्चन नंबर 5 ही है और इस क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़ें। राइट एनी 2 मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल। लुकास टेस्ट में क्या होता है कि लुकास टेस्ट में हम यह पता करते हैं कि जो हमें एल्कोहल दिया गया है वह गिवेन एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल है या सेकेंडरी एल्कोहल है या टर्शरी एल्कोहल है। हम वहां पर उसका एनालिसिस करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं। तो कहने का मतलब कि वहां पर यदि आपसे पेपर में कहा गया कि लुकास रिएजेंट के बारे में लिखो, या दूसरी जगह आपसे यहां पर कह दिया गया डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल, तो दोनों के आंसर सेम होंगे। अब विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है, विक्टर मेयर टेस्ट के द्वारा भी आप प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शरी एल्कोहल इसके बीच आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। आपको यदि कोई एल्कोहल दिया गया है तो आप वहां पर किस तरीके से पता करेंगे कि गिवन एल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो इसका एनालिसिस करने के लिए, ये इन तीनों में डिफरेंशिएट क्लियर करने के लिए, पता करने के लिए आप लुकास टेस्ट यूज कर सकते हैं या फिर विक्टर मेयर टेस्ट यूज कर सकते हैं। यदि यहां पर आपसे ये कहा जा रहा है कि राइट एनी, यहां पर 2 मेथड्स है, राइट एनी 2 मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स, तो यहां पर भी आप वही लुकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट ही लिखेंगे। तो आपने यहां पर देखा कि दिया
दिखने में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगते हैं लेकिन आंसर सेम होते हैं। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे फाइनल एग्जाम में, आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि क्वेश्चंस पूछने का चाहे तरीका कुछ भी हो उसका मीनिंग सेम निकलता है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि आप पर क्वेश्चन नंबर 9th को देखें, यहां पर क्वेश्चन नंबर 9th में यहां पर दिया गया है राइट द एनी टू केमिकल रिएक्शन, राइट द एनी टू केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशंस भी हो सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सैलिसिलिक एसिड, यानी कि सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए किसी को कोई दो केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को लिखें। यहां पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको रिकॉल करना है, अपने दिमाग में सर्च करना है कि सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए कौन कौन से मेथड है। जब तक कि मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं तब तक आप एनालिसिस करें। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि पिछले साल जो हरियाणा टॉपर निकला था नवीन कुमार, वो अपने ही स्कूल का स्टूडेंट था और उसने इस तरीके से तैयारी की थी, क्योंकि बहुत बच्चों के दिमाग में ये होता कि आखिर कोई भी टॉपर किस तरीके से तैयारी करता है जो कि उसको 100 out of 100 मार्क्स मिल जाते हैं और वो टॉपर हो जाते हैं, जबकि वही चीज मैंने भी पढ़ा और मैं टॉपर नहीं हो पाया। तो आज इस बात से राज हटाने के लिए, पर्दा हटाने के लिए ये वीडियो मैं दिखा रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं कि नवीन ने भी इस तरीके से तैयारी की थी और कोई भी पोर्शन आपका छूटना नहीं चाहिए। जो मार्क्स मिलते हैं वो कई बातों पर डिपेंड करते हैं, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, लिखने का आपका तरीका क्या है, क्वेश्चन को आप कितना समझ पाते हैं और अपने लैंग्वेज में कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। 90% बच्चे क्या करते हैं, कोई गेस पेपर ले लिए और एक ही लैंग्वेज को लर्न करते हैं, मेमोराइज करते हैं। जब वही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो स्कूल के लगभग सभी बच्चे सेम लैंग्वेज यूज करते हैं और ऐसे सिचुएशन में बच्चे को कम नंबर मिलते हैं। तो आपने सोच लिया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब मैं दिखाता हूं दूसरे क्वेश्चन में, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर कहा जा रहा है राइट द ओनली केमिकल रिएक्शन फॉर द रिमर टाइमन रिएक्शन एंड कॉलवेज स्मिथ रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अब आपके समझ में आ गया होगा कि दिखने में यहां पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लग रहे हैं लेकिन दोनों का आंसर सेम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो से कुछ मोटिवेट हुए होंगे और आप प्लीज इसी तरीके से तैयारी करें। आपकी कोई भी डाउट्स हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।